अल्मोड़ा के लमगड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति ने अपने पड़ोस में रहने वाले परिवार पर पत्थरों व धारदार हथियार दराती से प्राणघात हमला कर दिया, जिसमें एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। आरोपी की पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। पीड़ित परिवार द्वारा मामले में थाने में तहरीर दी गई है। तहरीर में भुवन राम पुत्र स्वर्गीय धनीराम ने बताया कि गत दिवस बुधवार को दोपहर करीब 2 बजे उनका पड़ोसी प्रकाश राम पुत्र स्वर्गीय कुंवर राम उनके निवास पर आ धमका। इसके बाद उनकी पत्नी ममता देवी एवं माता माधवी देवी के साथ गाली गलौज करने लगा। वो बार बार गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दे रहा था। शिकायतकर्ता भुवन राम ने बताया कि जब उन्होंने प्रकाश राम को समझाने का प्रयास किया तो उन्हें धक्का देकर खेत में फेंक दिया, जिसके बाद पत्थर से हमला कर दिया। जब उनकी पत्नी बचाने आई तो उसके सर पर भी पत्थर से हमला कर दिया। यही नहीं, उसने वृद्ध माँ माधवी देवी का भी लिहाज नहीं किया। तहरीर में बताया कि प्रकाश अपने घर से 2 दराती लेकर वहां पहुंचा, जिसके बाद उसने उनकी माता माधवी देवी के सर व मुंह में दराती से हमला कर दिया, जिससे उनकी माता गंभीर रूप से घायल होकर गिर गई। धारदार हथियार से हुई चोटों के कारण उनकी मां की मौके पर ही मौत हो गई। शिकायतकर्ता ने कहा कि प्रकाश राम द्वारा उनकी माता की हत्या की गई है, जिस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। बताया जा रहा है कि हत्या आरोपी इससे पूर्व भी गांव में लड़ता झगड़ता रहता था। घटना को अंजाम देने से पूर्व उसने अपने घर में भी परिजनों से झगड़ा किया था। हुआ यूं कि पति पत्नी के बीच घर का विवाद था। इसमें जब पड़ोसियों ने दखल दिया तो प्रकाश भड़क गया। नाराज होकर उसने भुवन, उसकी पत्नी और माता के साथ मारपीट कर दी। इस दौरान प्रकाश राम ने माधवी देवी पर दराती से हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। वहीं आरोपित प्रकाश राम को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। भागकर शादी करना पाप है, मेरे साथ स्कूल पढ़ने वाला 2 बच्चों का बाप है। 4 साल का प्यार और शादी करते समय लड़की किसी और से शादी करती है, इसी पर आधारित एक कॉमेडी वीडियो हमारे पंकज पाठक जी ने बनाई है, जिनका यूट्यूब चैनल का नाम है देवभूमि पंकज पाठक। वीडियो जरूर देखें, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।